नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त की मैं बड़ी खबर बता दूं आपको, ये खबर कल की है, मैं खबर आज बता रहा हूं कि रीज़न ये है कि कल कुछ खबरें पेंडिंग थी जिसके कारण खबर नहीं आई। और आज मैं बताऊंगा कि विजय हेल्थ सेंटर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और लगातार 70 दिनों में 21 रेल हादसे हो चुके हैं। कल सावरमती ट्रेन जो थी वो कल हादसे का शिकार हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये हादसा हुआ, ट्रैक से नीचे आ गई ट्रेन और ये हादसा के पीछे बताया जा रहा है अभी कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है। फिर भी सोचिए 70 दिन में 21 रेलवे हादसे हो चुके हैं। और अश्वनी वैष्णव जी, 70 दिन में अगर 21 हादसे हो रहे हैं तो रेल मंत्री साहब मौन क्यों हैं, अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल यहीं से उठता है कि आखिर केंद्र की हुकूमत बीजेपी की है और बीजेपी के सारे लोग सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हैं जिस पर जवाब लेने वाला, जवाब तलब करने वाला कोई नहीं है। अब सवाल यहीं से उठता है कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, रेलवे की हालत सुधारने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, चाहे रेलवे में कैंटीन की सुविधा हो या IRCTC के माध्यम से रेलवे टिकट की मुहैया कराना हो, ये सारी चीज़ें सुविधाएं दी जा रही है, फिर भी रेलवे में लगातार दावा किया जाते केंद्र की हुकूमत बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि जो है अब हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। अब बताइए 71 दिनों में 21 रेल हादसे मानी रखता है, लगातार ऐसे हादसे होते रहेंगे तो फिर ये सरकार कर क्या रही है, इनके सिस्टम क्या कर रही है? अब यहीं से सवाल उठता है इस केंद्र की सरकार के खोखले सिस्टम में क्या रह, किस तरह की एजेंडे पे काम कर रहे हैं इनके आला अधिकारी, यहीं से वो सवाल उठता है कि आखिर डेली रेलवेज में लगभग 2.5 करोड़ लोग डेली रेलवेज में सफ़र कर रहे हैं, अपनी जान को हथेली पर रखकर सफ़र कर रहे हैं, पता नहीं कि रेलवे में कब कितना बड़ा हादसा कब हो जाए, किसी के साथ, किसके साथ किस तरह का अनहोनी हो जाए, या आप तस्वीरों के माध्यम से देखकर समझिए। हादसा मैं आपको बता दूं, जब सन 1999 में एक रेलवे हादसा हुआ था बिहार के किशनगंज सटा हुआ है गैसल, जो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के इस्लामपुर ब्लॉक क्षेत्र का मामला था, और सब डिवीज़न एरिया के आसपास का मामला था, जो गैसल में रेल हादसा हुआ था, कई 100 लोग उस हादसे में मर गए। उसके बाद जो है रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। सवाल यहीं से उठता है कि आखिर केंद्र में बीजेपी की सरकार ने किस तरह की राजनीतिक हथकंडों पर काम कर रही है, और यहीं से वो सवाल उठ रहा है कि देश की माहौल और देश की उन्नति किस तरह से कर रही है बीजेपी। और आप समझिए इस बात को कि जो एक तरफ 70 दिन में 21 रेलवे हादसा होने का मतलब अश्वनी वैष्णव जी को रेलवे पद इतनी अच्छी लगने लगी है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। अब सोचिए यही बीजेपी गवर्नमेंट 2004 की थी तो तब एक रेल हादसा हुआ था, उस टाइम भी कोई मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। बताइए यही बीजेपी आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दूसरी तरफ रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी हैं जो 70 दिनों में 21 रेल हादसे हुए हैं, उनका जवाब तलब की जाती है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सवाल तो यहीं से उठता है कि बीजेपी की कितनी घिनौनी राजनीति हो रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के बुलंदशहर बदायूं मेरठ हाईवे पर बड़ा हादसा, डगमगाकर बस पिकअप में जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत की खबर, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बड़ी हादसे के कई लोग जान गंवा बैठे, गांव वालों ने पहुंचकर लोगों की मदद की है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर बदायूं मेरठ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, बस बैलेंस खो देने के बाद पिकअप वैन से टकरा गई, जिसमें दर्जनों लोग मौत हो चुकी है और कई 25 से 30 लोग घायल हैं, जिनको बुलंदशहर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि बदायूं में बड़ी क्षति हुई है और तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। अब देख रहे हैं कि बुलंदशहर के बदायूं में बस हादसे में दर्जनों लोग मौत हो चुकी है, दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और इस वक्त की बड़ी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। अब सोचिए, आकलन कर सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हुआ है, और इस वक्त जो है वहाँ की जो MP है वो मौके पर घटना स्थल पहुँच कर
उन्होंने मरीजों की हालत जानी और साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस घटना को लेकर शोक प्रकट की है। ये बड़ी हादसा मैं आपको बता रहा हूँ, बने रहे। इस वक्त की बड़ी खबर पढ़ने चलते हैं। बता दें आपको कि बहादुरगंज प्रखंड के मुसलडांगा गांव से है जहां पीड़ित लड़की ने पूरे मामले की जानकारी दी है। बता दें आपको ये घटना है निशंदरा पंचायत के मुसलडांगा गांव का, जहां लड़की ने, हालांकि प्रेम प्रसंग का मामला था, लड़के ने काफ़ी लंबे समय से लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रहकर लड़का ने किया शादी से इनकार, बात थमी नहीं। उसके बाद बात आगे बढ़ते ही लड़की जा पहुंची लड़के के घर और वहीं कई दफ़े पंचायती लेकर बैठक भी हुई, जिसमें सरपंच ने गारंटी ली थी और साथ साथ पंचनामा के अंतर्गत 25,000 रुपये लेने की भी आरोप लगे हैं। क्या न्याय तंत्र में सरपंचों को पैसे लेने का अधिकार किसने दिया? सवाल सीधा है। और आइए, प्रीत लड़की ने क्या कुछ कही है। लड़का आने के लिए बोला था, क्या नाम है तुम्हारा? शेली बेगम। कहाँ घर है? मचकुरी। और तुम कहाँ आई हो? यहाँ मुसलडांगा। कौन सा? अच्छा, बुरुस्टोला मुसलडांगा में आई हो। क्या है मामला पूरा? क्यों यहाँ आई हो? तो क्यों आई हो? क्या है, क्या होगा तुम्हारे साथ? रिश्ता करने तुम आई हो? क्यों? लड़की का रिश्ता लड़की खुद करने आता है? पाँच साल पहले तुमसे मिलना जुलना था उसका। हाँ। क्या नाम है लड़के का? क्या नाम है लड़के का? न्यामत नाम से लड़का है। तो मतलब पाँच साल पहले तुमसे मिलना जुलना हुआ? और कोई मानसो को मोरा भेज दे, मोबाइल बंद कर नहीं करूँ तरह बाद में तो मोर रिश्ता पहले नहीं करबो। मोरा मानस भेज दिए बाद कहले कि ठीक छे, मोबाइल तो खोल मैं घर जाऊँ तब मैं रिश्ता करूँ। अच्छा, तो मतलब सऊदी से वो तो अब क्या बैठक भी हुआ था, पंचायती भी हुआ था? हाँ, बैठक मतलब हुई हल्का फुल्का। हाँ, तो फिर क्या हुआ उसमें? मजबरा दिल की पाँच दिन नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ। पाँच दिन हुआ या नहीं? हाँ। फिर क्या, अब क्या कह रहा है सरपंच? कुछ गारंटी लिया था इस मामले में? हाँ, सरपंच मुझे यहाँ से मतलब नहीं लिया। क्या बोला सरपंच? ठीक है, पाँच दिन का मोहल्ल दे, पाँच दिन बाद तो बैठक होबे, पाँच दिन बाद फैसला होबे, पाँच दिन 10 दिन 11 दिन होंगे, अभी तक बैठक नहीं हुई। बैठक नहीं हुआ है? तो मतलब पाँच दिन का टाइम लिया था, 11 दिन हो गया, बैठक नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब सरपंच बयान को सरपंच की बोलूँ? हाँ, ठीक है। हाँ, सरपंच मतलब टाका पैसा ले लिया, मतलब किससे टाका लिया? से आपसे पैसा लिया है? सोलियत से कहीं की रिश्ता हंजावे, मेरा मान ले नहीं मान लेते बार बाद में घरों पर। सरपंच आप लोगों से पैसा लिया है? मतलब वो बोले लड़का की दीजन लोगों को लगा, दीजन लोगों को नहीं लगानो, सरपंच को लगानो, सरपंच अगर बात नहीं मान ले तो बार बात तुम्हारे घरों पर रोजबो। ठीक है, वार बात लड़का कहे वार बात तुम्हारे घरों पर रोजबो, तो वार घरों पर मैं हूँ तो लड़का जब बोलूँ तो मैं पकड़ी तो उधर छिटकी दिले लड़का, मेरा मतलब छिटकी दिले लड़का। अच्छा, अभी तो घर में ताला बंद है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। क्या न्याय व्यवस्था से क्या मांग करती हैं? न्याय जो न्यायालय है, मतलब वीडियो को मतलब अमना समना में रबजेबो करिया, मतलब वीडियो को लेकर तो 5 साल भरे बात कर ले, सब दखा देगी कर ले, बीवी जैसा सब कुछ कर ले। प्रशासन से क्या मांग कर रही है? न्याय के लिए मांग कर रही है? क्या न्याय चाहिए ना आपको, इंसाफ चाहिए ना? तो मतलब वीडियो को लेकर मैं सब कुछ मतलब शोर बीवी से कर दखाइल, मुझे दखाई सब कुछ मतलब मैं करूँ, मतलब लड़का सब मतलब सब जानो कि मैं लड़की से नतुगुड़ी करिए, लड़का मोर से नतुगुड़ी, लड़की से नतुगुड़ी करिए, मतलब मोर से। कहाँ घर है तुम्हारा? मचकुरी। क्या नंबर वार्ड? वार्ड नंबर क्या है तुम्हारा? कौन सा गांव है? गांव को बाबुल मचकुरी, बाबुल टोला मचकुरी, बाबुल टोला मचकुरी। ठीक है, क्या हमारा साली है? मामला ये है कि वो 10 साल से बात कर रहा था लड़की से, न्यामत नाम का लड़का है मुसलडांगा का, वो 10 साल से बात कर रहा था ना। बात ये है कि मतलब उसके साथ रिश्ता बहुत 2-3 रिश्ता आ रहा था लड़की का, तो रिश्ता मतलब होने नहीं रहा था। तो लड़का का कहना ये है, अगर तुम कहीं किसी के साथ अगर रिश्ता करोगे भी, हम तो उसको जान से मार देंगे, खुद मर जाएंगे और तुम्हारा गंदा फोटो वायरल कर देंगे। इसका मतलब पहले वीडियो कॉल पे बात कर? हाँ, वीडियो कॉल में मतलब उसका वीडियो कॉल में पूरा उसका चीज वो देख लिया, इसका चीज ये देख लिया। अच्छा, ऐसा हो गया। और बीच में इसका मतलब इससे 5 साल पहले मतलब ये भी किया है,
कि कहीं पर बुला के उसके सब कुछ मतलब हो गया, जैसे लग गया कि मतलब हम फिजिकल रिलेशनशिप में भी रह चुका है। जी रिलेशनशिप में भी रह चुका है। दूसरा बात यह है कि वो लड़की जब वो 3 साल पहले वो मतलब लड़की बात नहीं कर रहा था तो कोई लड़का यहाँ से उसको रिश्ता करने के लिए बुलाया कि लड़की स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल को कि हम उससे बात नहीं करेंगे और ये ऐसे ऐसे बात है। तो लड़का का बाप मतलब हमारा वहाँ गया रिश्ता लेके, लड़का का बाप गया था आपके यहाँ रिश्ता लेके गया था वहाँ। अच्छा, तो किसी के बहकावे में हमारा घर तक नहीं पहुंचा, हमारा जो नाश्ता वगैरह होता है ना हमारा देहात में नाश्ता वास्ता वगैरह था, किसी के बहकावे में घर तक नहीं आया। तो लड़की मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया कि हम मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे, जब तुम्हारा बाप किसी के बहकावे में चला गया तो हम क्यों रिश्ता करेंगे, हम क्यों तुमसे बात करेंगे। तो फिर लड़का ने ओवरटेक किया वहाँ से विदेश से, किसी लड़के को भेजा मुझसे खाइडो लगा पता नहीं क्या नाम है, उसको भेजा तो वो गारंटी लिया अनवर नाम से, वो गारंटी लिया कि देखो वो रिश्ता करेगा नहीं, मतलब तुमसे दिल जान से चाहता है, उससे साथ बात करो, ये रिश्ता को क्यों ठुकरा रहे हो आप। तो इसी दौरान वो क्या किया, फिर उसको वो दोनों को ज्वाइन करवा दिया, फिर मतलब भोली भाली बातों में उसको फंसा लिया, फिर उससे दोनों का प्यार मोहब्बत अपने आप हो गया। उसके बाद वो वादा भी किया हम मरेंगे तो तुम्हारे साथ जियेंगे तो तुम्हारे साथ। उसके बाद लड़की का 3-4 रिश्ता भी आया, 3-4 रिश्ता आया तो उसको बोल दिया कि धमकी चमकी दिया कि कहीं रिश्ता करोगे तो तुम्हारा फोटो वायरल कर देंगे, उसको भी मार देंगे, हम भी मर जाएंगे, ऐसे ऐसे करते धोखेबाज में। उसके बाद वो लड़का घर आया, घर आया तो 4-5 बजे हो गया तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया लड़की को, मतलब स्विच ऑफ कर दिया। तो लड़की सोचा कि हमारा साथ कोई ये रिश्ता वस्ता नहीं करेगा, हमें धोखा करेगा, तो ये लोग गया सरपंच के पास, सरपंच के पास ऐसे किया कि देखो हम हमारा उसका लड़का मुसलंगा का लड़का साथ ऐसे ऐसे रिलेशन चल रहा है और आप अगर चाहते अगर चाहोगे तो मिला दोगे दोनों को। तब सरपंच ने ये लोग को क्या किया नहीं किया उसमें से पैसा भी खाया मगर कोई मतलब ये लोग सरपंच ऐसे बोला तो सरपंच को क्या बोला कि इतना पैसा लगेगा ये लगेगा, तो 20,000 तगा भी दिया ये लोग को सरपंच को, मतलब कि रिश्ता हम करा देंगे फलाने गलगा के साथ, मतलब दोनों को ये लोग को लालच दिया कि हम रिश्ता करा देंगे, पैसा भी ले लिया और रिश्ता भी नहीं। हाँ, और बार बार उसके बाद क्या हुआ तो वो लड़का यहाँ मतलब मुसलंगा का सॉरी मतलब लड़का ये बात हम लोग ये करने भेजा, तो इसके बाद ये लड़का वाला यहाँ से भेज दिया एक आदमी को मुसलंगा का डब्बावाड़ी का, वो मस्जिद में जाके बोल दिया कि ऐसे ऐसे बात है तुम्हारा बेटी का और उसका फलाने का लड़के के साथ क्या रिलायंस है। तो लड़के के बाप के सामने बोल दिया तो 2-4 आदमी सुन लिया, वो तो लड़की गुप्त में बात कर रही थी, वहाँ पर बात जाके हाईलाइट हो गया, बात जाके हाईलाइट हो गया गाँव में, जब लेडीज सब सब सुन लिया परेशान मतलब हो गया, आंगन में हमारा भीड़ भाड़ हो गया। तो लड़की सोचा कि हम तो चुपके से बात कर रहे थे और हमारा शिकायत वो उड़ा दिया, हम उसी के घर में जाएंगे। तो लड़का बोला भी कि पहले दूर से मतलब ये करना अजमाना मेरे बाप को, अगर नहीं मानेगा तो मेरे घर में आके पूछ जाना, लड़का खुद बोला है। खुद बोला है। तो आज लड़की आके बैठी है? नहीं, आज नहीं, उससे पहले आया था फिर वापस चली गई थी। लड़की को जबरदस्ती मतलब सरपंच वगैरह भगा दिया यहाँ से, जाली मतलब फरोख कर दिया, देखिए ना ये जाली ये बनाया है, एग्रीमेंट दिखाई दिखाई कागज चाहिए वो किया, तो इसके साथ ये मतलब दिखाई ऐसे बुलेटिन कागज। हाँ, ये कौन बनाया है? ये सरपंच बनाया था, उसके बाद क्या हुआ वहाँ से हम लोग लेके चला गया, तो समय दिया उसके बाद भी शादी नहीं हुई, हम लोग चला गए शादी नहीं हुई है ना, नहीं हुआ। तो उसके बाद बार बार सरपंच बार बार टेंट आ जाओ पंचायत कर लो, पंचायत मतलब 15 दिन से आप लोग परेशान कर रहा है, 15-20 हो गया पंचायत आदमी को इकट्ठा करने में गंदम। तो बच्ची आपकी आज फिर आ गई, आज फिर आ गया, वो नहीं माना कि हमारा जिंदगी को बर्बाद किया। आप कौन है, बच्ची का कौन है आप? हम उसका भाई है और जीजा भी लेंगे, जीजा भी। हाँ ठीक है, तो कौन सा गांव है ये? मुसलंगा गांव। और लड़की ये कहता है कि हमारा जिंदगी वो खराब किया है तो हम उसके घर में जाएंगे। क्या नाम है लड़का का? लड़की का नाम बाप का? लड़के का बाप का नाम? लड़के का बाप का नाम अमीरुल सूफी। अमीरुल सूफी, ठीक। जब इस पूरी घटना की पूरी जानकारी हमने उनके जीजाजी से ली तो उन्होंने बताया कि पूरी घटना इस प्रकार से है कि जहाँ हालांकि लड़का इससे काफ़ी लंबे समय से फिजिकल रिलेशनशिप से लेकर कई ऐसी बड़ी घटनाएं कर चुकी है, वहीं पीड़ित पक्ष का जानते ही हमने दूसरे पक्ष से जानने की कोशिश की है। वहीं दूसरे पक्ष के लोग घर पे नहीं थे, घर से फरार थे और लोगों ने बताया कि पूरी समस्या ये है। अब ये देखना है कि प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। बने रहिए Live24 न्यूज़ पर। किशनगंज से बड़ी खबर मिली थी इस वक्त और आगे ताज़ा तरीन खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।